स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में, और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस। जी हां गाइस, हमने लास्ट क्लास में भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी सक्सेस के लिए। तो आई होप कि वो सारे फैक्टर्स, वो सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे और आप लोग उनको अपनी लाइफ में जो है कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने की। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सो गाइस, फर्स्ट टिप हमारा है कैरेक्टर। सबको पता है कि कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है कि मैं गुड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर, कि वो अच्छे कैरेक्टर का नहीं है, उसके 4 अफेयर्स चल रहे हैं, उसके 10 अफेयर्स चल रहे हैं। कैरेक्टर इज़ नॉट ऑल अबाउट दैट। कैरेक्टर्स क्या होता है कि हम किन वैल्यूज़ के, किन बिलीव्स के एंड किस पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं, हमारा व्यक्तित्व किस तरीके का है, वो हमारे कैरेक्टर को दिखाता है। ठीक है, पर्सनल लाइफ किसकी क्या है क्या नहीं है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। पर कैरेक्टर बेसिकली बनता कैसे है, हमारी वैल्यूज़ से, बिलीव्स से एंड पर्सनालिटी से। उसके बारे आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड टिप की तरफ, पॉजिटिव बिलीविंग। येस गाइस, पॉजिटिव बिलीविंग जो है क्वाइट डिफरेंट है पॉजिटिव थिंकिंग से। आप लोगों ने पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सुना होगा, इवन हम लोग बात भी कर चुके हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग होती है कि हम लोग चीज़ों को पॉजिटिवली सोचें, किस वे में हम चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव बिलीविंग क्या होता है? पॉजिटिव बिलीविंग हमारा एक एटीट्यूड होता है कॉन्फिडेंस का, दैट कम्स विद प्रिपरेशन। थिंकिंग में तो क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग में सिर्फ हम सोच रहे हैं पॉजिटिवली, लेकिन जब तक उस सोच को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारे किसी भी सोच का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी भी पॉजिटिव सोच का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये क्या होता है, ये हमारा नज़रिया होता है कॉन्फिडेंस का। ठीक है, जो कैसे आता है, प्रिपरेशन के साथ आता है। तो पॉजिटिव बिलीफ यही होता है कि हम प्रिपरेशन करें, जो काम करना है, जो एक्शन करना है, जो टारगेट अचीव करना है, उसके लिए प्रिपरेशन करें, प्लान करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है गिव मोर देन यू गेट। मतलब जितना आपको मिल रहा है, देन कंपेयर कर दिया कि जितना आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा आप लोगों को दें। बहुत सारे लोग होते हैं कि इतनी सैलरी में हम तो इतना ही काम करेंगे, इससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। होता है ना, लोगों का एक नज़रिया होता है, एक एटीट्यूड होता है कि नहीं भाई, हमें जितना मिल रहा है हम तो उतनी ही सर्विसेज देंगे, जितना हमें अर्निंग मिल रही है उसके बदले में उतनी ही सर्विसेज हम लोग देंगे। तो दैट इज़ नॉट फेयर गाइज। अगर आप लाइफ में चाहते हैं बहुत कुछ सीखना, कॉन्फिडेंस गेन करना, और आप अगर बनना चाहते हैं वैल्यूएबल, अगर आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनना, तो आपको ज़्यादा सीखना पड़ेगा। और ज़्यादा हम लोग कैसे सीखते हैं, हम अगर हमारा ये नज़रिया रहेगा ना कि ये मुझे जितना मिल रहा है मैं तो उतने में इतना ही काम करूँगा, तो दैट्स सो रॉन्ग। आपको क्या करना चाहिए, आपको जितना मिल रहा है, जितना आप लोगों से रिसीव कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आप लोगों को उनको देना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अगर लोग थोड़ी थोड़ी इज्जत दे रहे हैं तो हमें उससे ज़्यादा इज्जत उनको देनी पड़ेगी, अगर हम लोग चाहते हैं सक्सेस पाना। तो हमारे टारगेट में भी हमें जितना अचीव कर पा रहे हैं, जितना हम ले पा रहे हैं अपने टारगेट से, जितना बेनिफिट हमें मिल रहा है, तो हमें अपने टारगेट को उससे ज़्यादा डेडिकेशन देना होगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस होता है हमारा गाइज अटलता। ठीक है, अटल होना। तो पावर जो है परसिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम लोग अटल रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज़ कीजिए हमने कोई टारगेट बनाया और 2 दिन बाद हम लोग उसके बारे में लाइक भूल जाते हैं, है ना, और हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी उसके रिगार्डिंग लाइक आगे बढ़ने के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बेकार है ऐसे टारगेट्स, बेकार है ऐसे गोल सेट करना, ऐसे एम सेट करना, जब हम उनमें आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, अगर हम उसमें फॉर्म नहीं हैं। हमें क्या होना पड़ेगा, हमें अटल होना पड़ेगा, परसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो इट इज़ अ डिसीज़न। परसिस्टेंट क्या होता है, इट इज़ अ डिसीज़न, इट इज़ अ कमिटमेंट टू फिनिश वॉट यू स्टार्ट। यानी कि हमें अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि हमने क्या स्टार्ट किया है उसको फिनिश करने का, जो हमने शुरुआत की है उसकी, उसको ख़त्म करने का हमें एक पूरा दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो आपको सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी और आप लोग ज़रूर इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे अगर आप चाहते हैं सक्सेसफुल होना। तो गाइस, अगर मेरा चैनल आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।